नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 3.4 के उदाहरण 13 है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए उदाहरण 13 में दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को लिखने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्या कितनी है। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या के योग जो है कितना है, तो 66 है। और इसके बाद बोला गया कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्या है वो भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल सबसे पहले मान लेते हैं। देखिए माना कि दो अंकों की एक संख्या में दाहें अंक एक्स तथा इकाई अंक वाई है, तब संख्या क्या होगा? तब संख्या होगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम माने हैं कि दो अंकों की एक संख्या में दाहें अंक x तथा इकाई अंक y है, तब जो है संख्या क्या होगा, तो 10x प्लस वाई। यहाँ देखिए जैसे कि अगर कोई संख्या 23 है तो इसको जो है कैसे लिखेंगे, तो 10 × 2 + 3, मतलब कि दाहें अंक 2 है तो 10 × 2 + 3। तो इसी तरह से जो है अगर उस संख्या के दाहें अंक x है तथा इकाई अंक y है तो वह संख्या क्या होगा, तो 10x + y। और चलिए इसके बाद लिख लेते हैं कि अंकों को लिखने पर जो संख्या बनता है वो क्या होगा। यानी कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या होगा, तो ये देखिए 10y + x। यहाँ देखिए जब इस 23 को जो है उलट देते हैं तो होगा 32 और इसको क्या लिखेंगे, तो 10 × 3 + 2, जहाँ पर इसमें 2 है उसकी जगह क्या आ गया है 3, और जहाँ पर 3 है तो उसकी जगह क्या आ गया है 2, जब अंकों को पलट दिए है। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार जो है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को लिखने पर बनी संख्या का योग कितना है, तो 66 है। मतलब 10x + y + 10y + x बराबर क्या होगा, तो 66। दो अंकों की संख्या 10x + y + अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, तो 66 है। यहाँ देखिए 10x + x कितना होगा, तो 11x + 10y + y क्या होगा, तो 11y बराबर 66। यहाँ देखिए 11 जो है कॉमन ले लेते हैं तो होगा x + y = 66। यहाँ देखिए x + y और क्या लिखेंगे, तो 66/11, इससे 11 को जो है इससे भेज देंगे तो होगा यहाँ पर 11 × 66, मतलब यह लिखेंगे यहाँ पर x + y = 6 और इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि क्या दिया गया है, यह देखिए दिया गया है कि संख्या के अंकों का अंतर मतलब x − y = कितना, तो 2। संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो 2 है, मतलब x − y। अब देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ संख्या के अंकों का अंतर बोला गया है तो यह हम ऐसे भी ले सकते हैं कि y − x = 2। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमें सिर्फ ये बोला गया है कि संख्या के अंकों का अंतर मतलब x − y भी हो सकता है या y − x भी हो सकता है, कितना है, तो 2 है। और इसको जो है क्वेश्चन 2 मानेंगे और इसको जो है क्वेश्चन 3 मानेंगे। अब चलिए विलोपन विधि से जो है समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो x + y = 6, x − y = 2। यहाँ देखिए ये जो है कट जाएगा तो होगा यहाँ पर 2x = 6 × 2 = 8 और यहाँ पर जो है यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो 8/2 मतलब
चार, या एक्स और कितना आएगा तो चार आएगा, दो चौके आठ, तो एक्स का मान जो है चार आ गया। अब एक्स का मान जो है समीकरण एक या दो किसी में रख के जो है हम लोग वाई का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स का मान समीकरण एक में रखते हैं, तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर क्या होगा, तो चार प्लस वाई बराबर छ। एक्स का मान जो है समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा, चार प्लस वाई बराबर छ, और यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर छ माइनस चार, या वाई बराबर क्या होगा तो दो। तब वह संख्या क्या होगा, तब वह संख्या क्या होगा, तो 10 गुने 4 प्लस 2 मतलब 10 चौक 40 2 42, तो वह संख्या क्या होगा 42 होगा। अब देखिए इसी के साथ जो है हम लोग के पास एक और समीकरण है, समीकरण तीन। तो जब समीकरण एक और तीन को सॉल्व करेंगे तो फिर जो है एक्स और वाई का जो है अलग अलग मान आएगा, और उससे जो है एक और संख्या बनेगा, तो इसको भी जो है निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए समीकरण एक तथा तीन से क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर छ, ये जो है समीकरण एक है, तो y माइनस एक्स बराबर दो, ये समीकरण तीन, ये जो है समीकरण एक और ये समीकरण दो। यहाँ देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो क्या रहेगा, टू वाई स्क्वायर, और क्या होगा तो छः दो आठ होगा, और वाई बराबर क्या लिखेंगे तो आठ बटा दो मतलब चार, तो वाई का मान कितना आ गया, चार आ गया। अब वाई का मान जो है समीकरण एक या तीन किसी में रख के जो है एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण एक में वाई का मान रखने पर क्या होगा, तो एक्स प्लस चार बराबर छ मतलब एक्स और क्या होगा, छः माइनस चार, तो एक्स और क्या आएगा दो आएगा। तो इस तरह से जो है, या देखिए इस स्थिति में वह संख्या कितना होगा, तो तब जो है वह संख्या आएगा 10 गुने 2 प्लस 4, तो यहाँ पर आएगा 10 9 20 4 24। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है लास्ट में कि ऐसी संख्या कितनी है, तो ऐसी संख्या जो है दो है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं 42 और 24 है, और ये जो है अपना आंसर आ गया।